motivating and captivating stories, do subscribe the channel Motivation Fun and Entertaining Tales. And don't forget to hit the bell icon to never miss any update. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपकी दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हो चुकी हूँ। जैसा कि आज है थर्सडे और दिन है बुक समरी का, लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल की कहानी। नॉवल जिसे लिखा है आप सबके चहेते ऑथर चेतन भगत ने। नॉवल का नाम है द गर्ल इन रूम 105, जो पब्लिश हुई अक्टूबर 2018 में। जी हाँ, चेतन भगत की बाकी नॉवल से थोड़ा हटके है ये नॉवल, डिफरेंट है, मर्डर मिस्ट्री है, सस्पेंस नॉवल है। नॉवल की शुरुआत होती है फ्लाइट से, जहाँ मिस्टर चेतन भगत हैदराबाद से दिल्ली जा रहे हैं। उनके साथ वाली सीट पर बैठा है एक लड़का जिसका नाम है केशव राजपुरोहित। केशव जो कि बहुत सारे चेतन के फैंस की तरह उन्हें एक कहानी सुनाना चाहता है। चेतन के एक्सप्रेशन ये सुनकर अच्छे नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ही चेतन को लव स्टोरी सुनाते रहते हैं और वो बहुत बोर हो चुके थे। जिस पर केशव राजपुरोहित ने कहा कि ये लव स्टोरी नहीं है, पर चेतन हाफ गर्लफ्रेंड या फिर 1/4 गर्लफ्रेंड जैसी नॉवेल्स ही लिखने के लायक हैं। जिस पर चेतन की क्यूरियोसिटी बढ़ गई, उन्होंने केशव से कहा कि वो कहानी सुनाए। तब केशव ने सुनाई अपनी कहानी, बताया कि ये कहानी जो कि लव स्टोरी नहीं है, पर हर कहानी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी लव स्टोरी से ही होती है। केशव राजपुरोहित जो कि अलवर का रहने वाला है, IIT से इंजीनियरिंग की है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब नहीं मिली, इस वजह से एक कोचिंग सेंटर में एज अ टीचर IIT में एडमिशन के लिए कोचिंग दे रहा है। कॉलेज में मिली एक लड़की जारा लोन देखते ही प्यार हो गया। बहुत ही बोल्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्मार्ट लड़की, कश्मीर की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की जिसके प्यार में केशव पागल हो गया था। जारा जो कि एक बहुत ही सॉर्टेड लड़की थी, जानती थी कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए। वो शादी करना चाहती थी केशव से, एक सेटल फैमिली चाहती थी। केशव ने अपने पेरेंट्स से बात की, पर केशव के फादर जो कि RSS में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, वो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके हिसाब से मुस्लिम्स के साथ शादी करना एक्चुअल में एक बहुत बड़ा गुनाह है। जारा जब केशव के साथ उसके घर गई थी, तब केशव के पेरेंट्स ने जारा के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया था, जिसकी वजह से जारा बहुत हर्ट हो गई थी। खैर, जारा केशव को सच्चे दिल से चाहती थी, इसलिए वो केशव को अपने फादर से मिलवाने ले गई। उसके फादर ने शादी के लिए हाँ तो कहा, पर एक शर्त रखी कि अगर केशव जारा से शादी करना चाहता है तो उसे कन्वर्ट होना होगा। केशव को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। जारा जो कि हर हाल में केशव की होना चाहती थी, उसने केशव से कहा कि अगर केशव के पेरेंट्स नहीं मानते, अगर जारा के पेरेंट्स नहीं मानते, तो इन दोनों के पास एक तीसरा ऑप्शन भी है, ये दोनों घर वालों को बिना बताए कोर्ट में जाकर शादी कर सकते हैं। पर केशव इसके लिए भी तैयार नहीं था। वो जानता था कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं मना पाएगा। जारा के फादर के कहने पर अगर वो कन्वर्ट हुआ तो उसके पेरेंट्स जीते जी मर जाएंगे, और अगर वो उन्हें झूठ बोलकर शादी करता है तो उसके पेरेंट्स ये दुख भी नहीं सह पाएंगे। इस वजह से केशव काफी कंफ्यूज था और जारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, और उन्हीं की कॉलेज का एक लड़का रघु, जो कि साउथ इंडियन था, बहुत इंटेलिजेंट था, लुक्स अच्छे नहीं थे, पर सेटल था, और जारा रघु के साथ रिलेशनशिप में आ गई। केशव को ये गवारा नहीं था, वो बीच बीच में जारा को कॉल करता था, उसे कहता था कि वो उसके पास लौट आए। पर अब जारा जो कि रघु की हो जाना चाहती थी, उसने केशव से बात करना बंद कर दिया था। न्यू ईयर पार्टी पर भी केशव ने जारा को कॉल किया था, जारा ने केशव को बुरा भला कहा और कॉल काट दिया था। केशव जहां पर जॉब करता था, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम था चंदन क्लासेस। वहीं पर एक और लड़का भी जॉब करता था जिसका नाम था सौरभ। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों को ही चंदन क्लासेस के मालिक चंदन का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों ही ये जॉब कर खुश नहीं थे। MNC में जॉब ढूंढ रहे थे, पर दोनों को जॉब नहीं मिल रही थी। एक साथ एक ही रूम रेंट पर लेकर रहते थे और बॉन्डिंग दोनों की बहुत अच्छी थी। सौरभ जो कि बार बार केशव को रोकता था, जारा को कॉल करने से मना करता था, ताकि केशव अपसेट ना हो और जारा से दूर रहे। न्यू ईयर पर इंसल्ट करवाने के बाद
केशव ने अपना मन पक्का कर लिया था कि वो कैसे भी हो जारा से दूर रहेगा। हालांकि हर चीज में उसे सिर्फ और सिर्फ जारा ही दिखती थी। खैर, जारा का बर्थडे आया और केशव ने डिसाइड किया हुआ था कि वो ना जारा को कॉल करेगा और ना कोई मैसेज। 12 बज गए, केशव ने जारा को कोई कॉल नहीं किया। रात के 3 बजे जारा के फोन से केशव को मैसेज आता है और वो केशव से पूछती है कि क्या वो जारा को भूल चुका है। केशव के हाथ कांपते हैं जारा का ये मैसेज देखकर, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। वो रिप्लाई करता है कि वो जारा का बर्थडे नहीं भूला है, जिस पर जारा उसे कहती है कि वो केशव को बहुत मिस कर रही है और वो चाहती है कि केशव अभी आकर उससे मिले। जारा जो कि आईआईटी दिल्ली से ही पीएचडी कर रही है और इंजीनियरिंग से एक ही रूम उसने वहाँ के हॉस्टल में लिया हुआ है, जो है रूम 105। जब केशव और जारा रिलेशनशिप में थे, तब भी केशव जारा से मिलने उस रूम में जाता था। जारा के रूम के बाहर एक बड़ा सा आम का पेड़ था। वो उस आम के पेड़ पर चढ़कर जारा के कमरे में खिड़की से कूदकर पहुंचता था और वो उन दोनों के मिलने की एक सीक्रेट जगह थी। जारा चाहती है कि आज भी केशव वैसा ही करे। जारा का मैसेज देखकर केशव एक्साइटेड हो जाता है और सौरभ से कहता है कि उसे अभी चलना होगा जारा से मिलने। अब ये लोग आईआईटी में नहीं पढ़ते हैं। सौरभ ने पूछा कि ये लोग आईआईटी के गेट के अंदर कैसे एंटर करेंगे। केशव ने सब कुछ सोच लिया था। केशव ने अपना पुराना आईडी कार्ड निकाला और ईयर पर फिंगर रखकर उसने गेटकीपर को वो आईडी कार्ड दिखा दिया। ऐसे ये लोग आईटी के कैंपस के अंदर एंटर हो गए। पेड़ पर चढ़कर जाना अब केशव के लिए उतना आसान नहीं था, क्योंकि वो पहले की तरह एथलेटिक नहीं था। उसकी बॉडी पहले बहुत ज्यादा टोन थी, अब वैसा नहीं था। फिर भी उसे जारा के लिए कुछ करना था। वो पेड़ पर चढ़ा और खिड़की से कूदकर जब कमरे में पहुंचा तो जारा अपने बेड पर लेटी हुई थी। केशव ने सोचा कि जारा उसे परेशान करने के लिए सोने की एक्टिंग कर रही है। जब वो जारा के पास पहुंचा, उसने जारा को टच किया तो उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी। एक्चुअल में जारा की मौत हो चुकी थी। ये देखकर केशव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सौरभ को कमरे में ऊपर बुलाता है और जब सौरभ देखता है जारा की लाश, तो वो कहता है केशव से कि इन दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर केशव वहाँ से भागना नहीं चाहता। वो जारा को इंसाफ दिलाना चाहता है, ढूंढना चाहता है जारा के कातिल को। सौरभ को डर है कि ये दोनों ही कहीं मर्डर के केस में फंस ना जाएं और इनका करियर, जो ऑलरेडी ही बहुत खराब चल रहा है, उसका दी एंड ना हो जाए। केशव हर कुछ स्टेक पर लगाने के लिए तैयार है। उसे जारा को दिलाना है इंसाफ। आखिर किसने किया है जारा का खून, उसे ढूंढना है वो कातिल। केशव ने जारा के पेरेंट्स को और पुलिस को फोन करके वहाँ बुला लिया। पुलिस जो कि केशव और सौरभ को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई। जारा के खून का सबसे पहला शक इन दोनों पर ही जाता है। जब ये लोग आईटी में नहीं पढ़ते, तो आईटी के कैंपस के अंदर कैसे घुसे, पेड़ पर चढ़कर एक गर्ल्स हॉस्टल के रूम में जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि दोनों मर्डर हो गए। केशव ये प्रूफ करना चाहता है। हाँ, वो सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाया, जिसके लिए वो रिग्रेट कर रहा है। जारा की लाश से किया था वादा, ढूंढ कर लाएगा उसके कातिल को। फिलहाल पुलिस जो कि केशव और सौरभ को पकड़ कर ले गई, इधर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। कहानी ने लिया एक नया मोड़ और अब सस्पेंस आ गया है एक बहुत बड़ा। किसने किया है जारा का कत्ल, ढूंढना है वो कातिल। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है, उसकी फुटेज से पता चला कि जिस समय जारा का कत्ल हुआ, वहाँ का चौकीदार जगह पर नहीं था। शक चला गया चौकीदार पर। साथ साथ थोड़े दिनों पहले ही जारा ने उस चौकीदार के खिलाफ कंप्लेन भी पुलिस में दर्ज करवाई थी, क्योंकि वो लड़कियों की बिना बताए वीडियोस बनाता हुआ पकड़ा गया था। जारा ने उसे थप्पड़ भी मारा था। इधर केशव, जिसके फादर आरएसएस में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज किया। केशव के फादर और उसकी मदर जो कि अलवर से दिल्ली के लिए निकल पड़े, जैसे ही उन्हें केशव के बारे में पता चला, कॉन्टैक्ट्स यूज कर इंस्पेक्टर राणा जो कि इस केस को मॉनिटर कर रहे थे, उन्हें कन्विंस किया गया कि केशव और सौरभ
गुनहगार नहीं है। खैर, एक बड़ी पोजीशन जो कि हमेशा काम करती है वही हुआ। चौकीदार को पकड़ के लॉकअप में बंद कर दिया गया। कहा गया कि जारा का कातिल वही है। इंस्पेक्टर राणा जो कि प्रमोशन चाहते हैं और मीडिया में ऑलरेडी ही पुलिस के बारे में बुरा भला कहना शुरू हो गया था। कहा जा रहा था कि दिल्ली पुलिस किसी काम की नहीं है, उनके रहते हुए दिल्ली में लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। एक मुस्लिम कश्मीरी लड़की का कत्ल होना एक बहुत ही बड़ी खबर बन गई थी और पुलिस पर आ गया था बहुत ज्यादा प्रेशर, जिसके चलते उन्हें जल्दी से कातिल को ढूंढना था और कातिल बना दिया गया एक गरीब चौकीदार को, उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया। पुलिस की वाहवाही होने लगी। कहा गया कि पुलिस ने इतनी जल्दी केस सॉल्व कर दिया है। इंस्पेक्टर राणा जो कि उम्मीद कर रहे थे कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस इतनी जल्दी सॉल्व करने के लिए उन्हें डबल प्रमोशन मिल सकती है। जारा के फादर जो कि बहुत अमीर हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज किया, अपनी पावर्स को यूज किया और जारा की डेड बॉडी को कॉलेज से सीधा अपने घर ले गए। उन्होंने पुलिस को जारा का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि ये उनके धर्म के खिलाफ है। अगर जारा का पोस्टमार्टम होता तो सब कुछ ज्यादा क्लियर हो जाता। पता लग जाता कि जब केशव रूम में आया तो एक्चुअल में जारा जिंदा थी या नहीं, या फिर कितनी देर पहले जारा का मर्डर हुआ था। पर पुलिस कुछ ना कर सकी, हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही और जारा के फादर वहां से उसकी डेड बॉडी ले गए, उसे क्रिमेट कर दिया। क्रिमेशन के टाइम केशव वहां पर गया था, पर उसके फादर ने केशव से ढंग से बात तक नहीं की। इनफैक्ट उसे जलील किया, उसे कहा कि वो यहाँ से चला जाए। केशव को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, उसे लगता है कि चौकीदार कातिल नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर जो कि रघु को कॉल करते हैं, पता चलता है कि रघु हॉस्पिटल में है, उसके ऊपर अटैक हुआ है, कुछ लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया जिसकी वजह से उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और वो पिछले 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। ये एक नई खबर केशव के सामने आती है। क्या ये दोनों चीजें कनेक्टेड हो सकती हैं? क्या जिसने रघु के ऊपर अटैक किया वही जारा का कातिल भी होगा? सस्पेंस कहानी में बढ़ता जा रहा है। केशव और सौरभ जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन खुद से कर रहे हैं और पता चलता है कि चौकीदार कातिल नहीं है। चौकीदार के पास जाते हैं, बात करते हैं। चौकीदार बताता है कि वो उस समय इसलिए गया था ताकि गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में जाकर वो इंटरनेट यूज कर सके और पॉर्न वीडियोस देख सके। सौरभ जो कि टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने हैक किया चौकीदार के फोन को, पता लगाया कि उस समय उस फोन पर क्या चल रहा था और ये प्रूफ हो गया कि चौकीदार उस समय पॉर्न वीडियोस ही देख रहा था। चौकीदार कातिल नहीं है तो कौन है कातिल? ये सारी नई इन्वेस्टिगेशन लेकर जब केशव और सौरभ इंस्पेक्टर राणा के पास पहुंचे, उन्हें लगा था कि इंस्पेक्टर राणा उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, पर इंस्पेक्टर राणा का रिस्पांस बहुत ही अलग था। उन्होंने कहा कि केशव और सौरभ इस तरह की इन्वेस्टिगेशन ना करें, अगर चौकीदार कातिल नहीं है तो कौन कातिल है? इंस्पेक्टर राणा ने इन सब चीजों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर चौकीदार नहीं तो वो केशव और सौरभ को ही लॉकअप में बंद कर देंगे, इसलिए इन दोनों को चुप रहना होगा और चौकीदार को ही सजा पाने देना होगा। ये सुनकर केशव बहुत हैरान हुआ था। इंस्पेक्टर राणा ने कहा कि उनकी पे बहुत कम है, गवर्नमेंट उन्हें कुछ नहीं देती, लोग दिल्ली पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं, इतनी मुश्किल से उन्होंने ये हाई प्रोफाइल केस सॉल्व किया है, उन्हें प्रमोशन मिलने वाली है, अगर वो ये सारे फैक्ट्स रिवील कर देंगे कि चौकीदार कातिल नहीं है तो उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगी, उनकी प्रमोशन रुक जाएगी। केशव बहुत हैरान हुआ कि इंस्पेक्टर राणा सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, उस गरीब चौकीदार के बारे में कोई नहीं सोच रहा। पर केशव जो कि सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है जारा के कातिल के बारे में, वो रघु से मिलने जाता है, रघु को बताता है ये सारी बातें। तब रघु कहता है कि वो कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ शांति चाहता है। उसने केशव से कहा कि वो और उसका परिवार बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, ऑलरेडी ही रघु पर किसी ने अटैक किया है, उसके पेरेंट्स रघु से चाहते हैं कि वो इस सबसे दूर रहे और सिर्फ अपने काम से काम रखे। रघु कहीं ना कहीं सोच रहा है कि शायद केशव ही इस सब में इन्वॉल्व है। केशव ने रघु को यकीन दिलवाया कि वो इस सब में इन्वॉल्व नहीं है और वो सच में जारा के कातिल को ढूंढना चाहता है, जिस पर रघु ने कहा कि वो केशव की मदद करने को तैयार है। रघु ने
केशव को अपना फोन दिखाया, जारा और उसके बीच के सारे मैसेजेस दिखाए कि रघु को हॉस्पिटल में पाकर जारा बहुत ज्यादा परेशान थी। वो रघु से मिलने जाना चाहती थी, पर जारा जो कि पीएचडी कर रही थी, उसके प्रोफेसर प्रोफेसर सक्सेना ने उसे छुट्टी नहीं दी और वो जारा पर लाइन भी मारते थे। ये इन्फॉर्मेशन केशव के लिए बहुत नई थी। उसने अब इस तरफ इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। पता चला कि प्रोफेसर सक्सेना पुलिस को इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करने दे रहे, आईटी के कैंपस में आने भी नहीं दे रहे, इन्वेस्टिगेशन से रोकना, जारा को लाइन मारना, जारा को छुट्टी ना देना, इस सब से केशव का सीधा सीधा शक जा रहा था प्रोफेसर सक्सेना की ओर। प्रोफेसर सक्सेना जो कि जारा से मिलने उसके हॉस्टल भी गए थे, ऐसा सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से पता चला था। और वो जो कि जारा को अकेले में बुलाते थे, जारा ने मेल लिखी थी रघु को जिसमें उसने लिखा था कि कैसे वो प्रोफेसर सक्सेना से बहुत ज्यादा परेशान है। रघु ने उसे समझाया था कि उसे पीएचडी कंप्लीट करनी है, एक बार पीएचडी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद वो प्रोफेसर सक्सेना के खिलाफ कंप्लेन लिखवाएगा, अभी जारा को चुप रहना होगा। इसी वजह से जारा ने कभी भी प्रोफेसर सक्सेना के खिलाफ किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा कुछ करेगी तो उसकी पीएचडी बीच में ही अटक जाएगी। हो सकता है कि जारा ने प्रोफेसर सक्सेना को धमकाया हो और उन्होंने अपना करियर स्पॉइल होने के डर से जारा को रास्ते से हटा दिया हो। शक सीधा सीधा उनकी तरफ चला गया था। खैर, इन्वेस्टिगेशन केशव ने पूरी की और पता चला कि प्रोफेसर सक्सेना उस दिन अपने घर पर ही थे। वो जारा को पसंद जरूर करते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी जारा के साथ नहीं किया। ये प्रूव होने के बाद अब केशव वापस वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर जारा का कातिल है तो है कौन। प्रोफेसर सक्सेना अब दिखाते हैं केशव को एक नई दिशा, बताते हैं जारा के कजन सिकंदर के बारे में जिसका कुछ टेररिस्ट के साथ शायद कनेक्शन हो सकता है। केशव सिकंदर के बारे में जानता तो है पर ज्यादा कुछ नहीं। प्रोफेसर सक्सेना कहते हैं कि उन्होंने बहुत बार जारा को सिकंदर से बात करते हुए सुना है और सुना है कि वो उसे कुछ समझा रही होती थी। वो ज्यादा कुछ नहीं जानते पर उन्हें लगता है कि इस सब में सिकंदर इन्वॉल्व हो सकता है। इधर इंस्पेक्टर राणा कहते हैं कि ये ऑनर किलिंग भी हो सकती है। हो सकता है जारा के फादर जो कि बहुत मिस्टीरियस साउंड करते हैं, उन्होंने ही जारा का कत्ल करवाया हो। जारा जो कि एक हिंदू लड़के से प्यार करती थी, हो सकता है वो चाहते हो कि वो लड़का कन्वर्ट हो जाए और उसने मना कर दिया हो, जिस वजह से जारा के फादर सफदर इस सब के खिलाफ हो, जारा नहीं मान रही हो और उन्होंने उसकी ऑनर किलिंग करवा दी हो। ऐसा मुस्लिम्स में बहुत बार किया भी जाता है। जारा के फादर ने उसका पोस्टमार्टम भी तो नहीं होने दिया था, इसलिए भी तो उनकी तरफ एक शक की निगाह से देखा जा सकता है। केशव और जारा जब रिलेशनशिप में थे तब भी जारा ने केशव को बताया था कि उसके फादर उसे उसके स्टेप ब्रदर सिकंदर से बात नहीं करने देते, उन दोनों के बीच में दूरी बनाना चाहते हैं। अब इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहले सौरभ और केशव पहुंचते हैं जारा के घर। वहां जाकर देखते हैं कि सफदर एक्चुअल में जारा की मौत से बहुत ज्यादा परेशान है। वो जारा को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनकी बातों से ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने जारा का खून किया हो। उन्हें भी कहीं ना कहीं शक है सिकंदर पर और उन्होंने केशव और सौरभ से कहा कि अगर वो सिकंदर के बारे में मीडिया में कुछ बता देंगे तो उनकी बेटी को टेररिस्ट करार दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि वो टेररिस्ट के साथ कनेक्शन रखती थी और उसकी बहुत बदनामी होगी, जो सफदर नहीं चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने जारा का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया और वो इस केस को लेकर चुप हैं। उन्होंने मान लिया है कि जारा का कनेक्शन तहरीके जिहाद नाम के
उस पर एक ब्लॉग भी लिखा था। केशव और सौरभ जो कि उन इयररिंग्स के बारे में पता लगाते हैं, वहां पर बहुत सारी शॉप्स में जाते हैं और पता लगता है कि वो इयररिंग्स कश्मीर से ही खरीदे गए हैं। 3 लाख रुपए के इयररिंग्स जिन्हें कलेक्ट करने एक आर्मी ऑफिसर आया था। केशव और सौरभ का शक जाता है कैप्टन फैज पर। उसके बाद ये लोग जारा के फादर को कहकर कैप्टन फैज के साथ एक मीटिंग अरेंज करवाते हैं, उनसे मिलकर आते हैं। पता चलता है कि वो एक फैमिली पर्सन है, शादी हो चुकी है, 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। अब इन्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा कैप्टन फैज के बारे में, जिनका एक घर दिल्ली में भी है। ये दोनों वापस दिल्ली आ जाते हैं। अब इन्हें इन्वेस्टिगेट करना है कैप्टन फैज का घर, वहाँ पर शायद कोई क्लू मिले। शायद जारा और कैप्टन फैज के बीच में कोई रिलेशनशिप था, इसके बारे में इन्हें शक होता है। इनके दिल्ली आने के बाद कैप्टन फैज जो कि कॉल करके केशव को बताता है कि उसने जारा को ऑथेंटिक कश्मीरी इयररिंग्स खरीदने में हेल्प की थी। कुछ पैसे जारा ने दिए थे, कुछ कैप्टन फैज ने दिए थे और जारा ने कहा था कि पीएचडी पूरी होने के बाद वो बाकी के पैसे भी लौटा देगी। क्या कैप्टन फैज बहुत ज्यादा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं? क्या उन्होंने ही किया है जारा का कत्ल? पर क्यों? ये पता लगाने के लिए केशव और सौरभ कैप्टन फैज के घर में जाते हैं। ताला होता है और कहता है कि जारा के बिना जिंदगी अधूरी है। रघु से बात करने के बाद केशव रात को सो नहीं पाता, बहुत बेचैन होता है रघु और अपनी बातों को बार बार अपने दिमाग में दोहराता रहता है। फिर अचानक से उठता है और सौरभ से कहता है कि जब तक प्रेयर मीट होती है वो यहाँ से जाना चाहता है। सौरभ अगर अब जाएगा तो चंदन क्लासेस से उसे फायर कर दिया जाएगा, उसका स्केड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है, इसलिए सौरभ मना करता है। तब केशव अपना सामान पैक करता है और अकेला ही निकल जाता है। सौरभ उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर केशव कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद कहानी फिर वहीं पहुंच जाती है जहाँ से शुरू हुई थी, एरोप्लेन में, जहाँ पर केशव ये सारी कहानी सुना रहा है मिस्टर चेतन भगत को। चेतन पूछते हैं तो उसके बाद क्या हुआ? केशव कहता है कि कल है प्रेयर मीट, एक्चुअली आज रात के 1 बज चुके हैं। चेतन पूछते हैं तो केशव एक्चुअल में गया कहाँ था? केशव मुस्कुरा देता है। चेतन कहते हैं कि ये फ्लाइट तो हैदराबाद से आ रही है, इसका मतलब वो हैदराबाद गया था, पर केशव कोई जवाब नहीं देता, जिस पर चेतन समझ जाते हैं कि अभी केशव कुछ भी रिवील नहीं करना चाहता। हाँ, वो केशव से ये प्रॉमिस ले लेते हैं कि जो भी प्रेयर मीट में होगा वो केशव चेतन को मैसेज करके जरूर बताएगा। दोनों नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। केशव पहुंचता है प्रेयर मीट के लिए। वहां पर जारा के बहुत सारे कजन्स मौजूद होते हैं, उसके फ्रेंड्स मौजूद होते हैं, रघु आता है, कैप्टन फैज आते हैं और सौरभ और केशव पहुंचते हैं। सब लोग जारा के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं
उसके बाद कैप्टन फैज कहते हैं कि उन्हें जाना होगा, जिस पर सफदर कहता है कि ये उनका ही घर है और उन्हें खाना खाकर ही जाना चाहिए। डिनर ऑर्गेनाइज किया जाता है, सब लोग बैठ जाते हैं डिनर करने के लिए, पर केशव अपने फोन में बिजी है। सफदर कहते हैं कि आजकल के बच्चों के लिए फोन सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस पर केशव बहाना बना देता है एक्चुअल में वो बात कर रहा होता है इंस्पेक्टर राणा से। उन्हें कहता है कि अब उन्हें वहाँ से चल देना चाहिए, वो ऑलरेडी ही इंस्पेक्टर राणा से बात कर चुका होता है। यहाँ अब टाइम हो चुका है कैप्टन फैज का पर्दाफाश करने का। सफदर शुरू करते हैं, कैप्टन फैज से कहते हैं कि उसने जो किया वो बहुत गलत किया। तभी केशव उन्हें बीच में रोक देता है और कहता है कि कातिल कैप्टन फैज नहीं कोई और है और वो हम लोगों के बीच में ही है। तभी रघु कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है और केशव इशारा करता है, कैप्टन फैज रघु को पकड़ लेते हैं और एक्चुअल में कत्ल रघु ने किया है, रघु ही है सारा का कातिल। एक्चुअल में रघु को सारा और फैज के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। उसे लग रहा था कि जारा जो कि फैज के बच्चे की माँ बनने वाली है, जारा बार बार इंसिस्ट कर रही थी रघु को शादी करने के लिए। अगर रघु उससे शादी करता है तो जारा किसी और के बच्चे को रघु का नाम दे देगी, और अगर शादी नहीं करता तो वो ऑलरेडी ही जारा के नाम पर अपनी आधी कंपनी कर चुका होता है, जारा उसका आधा पैसा लेकर चली जाएगी। दोनों ही केसेस में नुकसान सिर्फ और सिर्फ रघु का था। उसने डिसाइड किया कि वो जारा को रास्ते से हटा देगा क्योंकि जारा उसकी तो वैसे भी नहीं है। रघु जो कि एक बहुत ही डरपोक इंसान है, एक साउथ इंडियन है, कभी ऐसा करने के बारे में सोच नहीं सकता। वो लेता है ये डिसीजन, इंटरनेट पर सर्च करता है इजी वे किसी को मारने का और डिसाइड करता है कि वो जारा का गला दबाकर उसे मारेगा। जारा हमेशा रघु और केशव को भी कंपेयर करती होती है। उसे केशव की ये बात बहुत पसंद होती है कि केशव उसके लिए खतरों से खेलता था, उसके लिए पेड़ पर चढ़कर खिड़की से कूद कर आता था। रघु जो कि बहुत पैसे वाला है, बिलियनेयर है, पर अगर वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, अगर वो खतरों से खेल नहीं सकता, अगर उसकी फैज जैसी बॉडी नहीं है तो उसका पैसा बेकार है। रघु इस सबसे बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। जारा और फैज की चैट भी रघु ने पढ़ी थी, जिसमें फैज रघु के लुक्स का मजाक उड़ा रहा था और जारा हंसने वाले इमोटिकॉन्स बना रही थी। रघु को जारा से नफरत हो गई थी और आखिरकार उसने डिसीजन लिया, गला दबाकर जारा का कत्ल कर दिया। उसने सोचा कि किसी न किसी पर तो इल्जाम लगाना ही है, इसलिए उसने जारा को मारने के बाद उसका थंब इम्प्रेशन यूज करके उसका आईफोन खोला और जारा के फोन से केशव को मैसेजेस किए। केशव जो कि अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, पर रघु के सामने नहीं, रघु ने अपने चक्कर में केशव को फंसा लिया था और केशव यहाँ आ गया था खुद जारा का कातिल बनने। रघु ने सोचा था कि वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, उसे बहुत सफाई से सब कुछ किया था, जान के अपने ऊपर अटैक करवाया था, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और वहाँ एक नर्स को अपना फोन दे दिया था रात को, ये कहकर कि रात को 12 बजे मेरे फोन से मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर देना, मैं सो रहा हूँ। और हॉस्पिटल से भागकर रात की फ्लाइट लेकर दिल्ली आया, रातों रात जारा का मर्डर किया और सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट लेकर वो हैदराबाद पहुंच गया। केशव को ये सब कुछ कैसे पता चला, यही सवाल होगा ना आपके मन में। जी हाँ, केशव और रघु की उस दिन जब कन्वर्सेशन हुई तो वो बातें केशव के दिमाग में घूमती रही, पूरी रात वो सो नहीं पा रहा था। उसने रिमाइंड की वो सारी बातें तो याद आया कि रघु ने कहा लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट हर। केशव ने अपना फोन खोला और खोला वो प्रेशियस मैसेज जो उस दिन जारा ने उसे भेजा था, लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। उसके बाद केशव ने सर्च किया कि क्या रघु ऐसा कर सकता है। केशव ने पाया कि रात को 11:30 बजे की फ्लाइट है जिससे हैदराबाद से वो दिल्ली आ सकता है और सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट लेकर वो वापस हैदराबाद जा सकता है। ये सब कुछ पता लगाने के लिए ही उस दिन सौरभ को बोलकर केशव दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट लेकर हैदराबाद पहुंचा, सुबह 7 बजे पहुंच गया, हॉस्पिटल पहुंचा, मिला उस नर्स से जिसे फोन देकर उस दिन रात को रघु वहां से निकला था। जेनी ने बता दिया कि रघु साहब बहुत अच्छे थे और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने रात को मुझे अपना फोन दिया था।
केशव अब समझ गया था कि क्यों रघु के फोन की लोकेशन हैदराबाद ही दिखा रहा था। उसके बाद सीसीटीवी की फुटेज देखी गई और पाया गया कि रघु उस दिन एयरपोर्ट पर ही था। रघु ने अपना आधार कार्ड यूज नहीं किया। फोटोशॉप की मदद से अपने आधार कार्ड पर फोटो अपनी और नाम किसी और का लिख दिया ताकि कोई भी उस पर शक ना कर पाए। रघु का सारा प्लान बिल्कुल पक्का था, पर केशव की जासूसी के आगे वो टिक नहीं पाया और उसका पर्दा फाश हो गया। और हाँ, आपको एक और इम्पोर्टेंट बात जरूर बता दी चलूं। एक्चुअल में जारा प्रेग्नेंट नहीं थी। रघु जो कि हमेशा काम करता रहता था, उसकी वजह से जारा की लाइफ में एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया था जिसे फैज ने भर दिया था। फैज जो कि बचपन से जारा को पसंद करता तो था पर कभी कह नहीं पाया था, और जब उसे जारा मिली तो उसके मन में वो फीलिंग